नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट के बारे में इसे फ्लेक्सिबल पेस प्लेनोवालगस भी कहते हैं ये एक कॉमन इडियोपैथिक कंडीशन है जिसमें लिगामेंट लैक्सिटी होती है जिससे आर्च अंदर के बाजू फुट के रिड्यूस हो जाता है और वाल्गस हाइंड फुट हो जाता है और फोर फुट एबडक्शन होता है विद वेट बेरिंग डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है देख के कि फुट फ्लैट है स्टैंडिंग के टाइम और रिकॉन्स्टिट्यूट होता है विद टो वॉकिंग हालक्स डोसिफ्लेक्शन और फुट हैंगिंग ट्रीटमेंट यूजुअली ऑब्जर्वेशन होता है स्ट्रेचिंग होता है मेजॉरिटी केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं ओवर टाइम रेयरली सर्जिकल मैनेजमेंट इंडिकेटेड होता है जिसमें पेशेंट्स की फुट डिफॉर्मिटी प्रोग्रेस होती है विदाउट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इंसिडेंस अनोन है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में 20 से 25 परसेंट एडल्ट में देखा जाता है जनरलाइज लिगामेंट लैक्सिटी होती है ट्वेंटी फाइव एसोसिएटेड होते हैं विद गैस्ट्रोनिमिया सोलियस कॉन्ट्रैक्चर हाइपर मोबाइल फुट मोस्ट कॉमन है ये फेमिलियल होता है एसोसिएटेड होता है विद जनरलाइज लिगामेंट लैक्सिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी रोटेशनल प्रॉब्लम भी कभी कभी देखे जाते हैं ये यूजली बायोलैट्रल होता है और काफी पेशेंट्स में एक्सेसरी नेविकुलर देखा जाता है कोरिलेशन कंट्रोवर्शियल है इन पेशेंट्स में इनवेरबली टाइट हील कॉर्ड होता है तो रिजिड फ्लैट फुट और टार्सल कोलेशन लीस्ट कॉमन है कोई कोरिलेशन नहीं है हाइंड फुट वालगस में विथ टो स्टैंडिंग ड्यू टू लिमिटेड सब टेलर मोशन प्रेजेंटेशन देखें तो बच्चों में तो ये एसिम्टोमेटिक होता है कभी कभी आर्च पेन या प्री टिब्यल पेन होता है इंस्पेक्शन में देखें तो फुट फ्लैट होता है विथ स्टैंडिंग और जब टो वॉकिंग बच्चे को बोलते हैं करने को तो आर्च दिखने लगती है हालक्स डॉक्शन में भी दिखने लगती है और फुट हैंगिंग में भी दिखने लगती है जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो वाल्गस हाइंड फुट डिफॉर्मिटी देखी जाती है फोर फुट एबडक्शन देखा जाता है मोशन देखे तो नॉर्मल और पेनलेस अब टेलर मोशन होता है हैंड फुट वाल्गस करेक्ट होता है टू वारस पोजिशन टो स्टैंडिंग में इवैल्यूएट करना चाहिए डिक्रीज डॉर्सिफ्लेक्शन और टाइट हील कॉर्ड के लिए। इमेजिंग देखे तो इंडिकेशन है पेनफुल फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट की तो ये करते हैं टू तो रूल आउट अदर मिमिक इन कंडीशन और रिजिड फ्लैट फीट रिकमेंडेड व्यू होता है वेट बेरिंग एपी फुट का इवेल्युएट करते हैं टेलस हेड का कवरेज और टेलो कैल्किअल एंगल

मैं एक्चुअली एंकल वालगस हो एसोसिएटेड होता है माइलोडिस्प्लाजिया में फाइंडिंग्स देखें तो मेरीज एंगल विल बी एपेक्स प्लांटर एंगल सबटेंडेड होता है फ्रॉम अ लाइन ड्रॉन थ्रू एक्सेस ऑफ टेलर्स एंड एक्सेस ऑफ फर्स्ट रे डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है इसका टर्सल कोएलेशन कंजेनाइटल वर्टिकल टेलर्स और एक्सेसरी नेविकुलर ट्रीटमेंट मेनली नॉन ऑपरेटिव होता है ऑब्जर्वेशन स्ट्रेचिंग शुगर मॉडिफिकेशन ऑर्थोटिक्स ए सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में स्पॉन्टेनियसली रिजोल्व हो जाता है पेशेंट्स को काउंसिल करना चाहिए कि आज री डिवेलप होगी विद एज टेक्निक्स देखिए तो एथलेटिक हील देते हैं विद सॉफ्ट आर्थ सपोर्ट या स्टिफ सोल हेल्पफुल होती है अगर सिम्टम्स ज़्यादा है तो ऑर्थोटिक्स चेंज नहीं करते नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज यू सी बी हील कप इंडिकेटेड होते हैं फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ एडवांस केसेस में रिजिट मटेरियल लीड करता है टू पुअर टॉलरेंस स्ट्रेचिंग करना चाहिए सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का जिन्हें टाइट हील कॉर्ड है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में एच एल टेंडन लेंथनिंग कर सकते हैं इसके इंडिकेशन होते हैं फ्लैटफुट विथ टाइट हील कॉड और पेनफुल सिम्टम्स रिफ्रैक्टरी टू स्ट्रेचिंग कैल्किनियल लेंदनिंग ऑस्टिटॉमी भी कर सकते हैं विद और विदाउट यूनिफॉर्म ऑस्टिटोमी इसके इंडिकेशन होते हैं कंटिन्यूड रेफ्रैक्टरी पेन डिस्पाइट यूजिंग कॉन्जरवेटिव मेथड्स ये रेयरली इंडिकेटेड होता है तो प्रोग्नोसिस देखिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पॉन्टेनिय रिजॉल्व हो जाता है आज का टॉपिक यही खत्म होता है आशा है आपको पसंद आया हो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद